बच गई। मेरे को लगा बीआरओ को ना पता ही नहीं है कि इधर कोई रोड है। से हम निकलते हैं आगे चंताल लेक के लिए। सुनने में आ रहा है कि रास्ता बंद है, अब देखते हैं आगे जाके। और ये रहा कुंजुम पास, यहाँ करते हैं टाटा बाय बाय। बढ़ते हैं आगे जल्दी से, ये जो कुंजुम पास है इसको पार करते हैं क्योंकि 2 बज रहे हैं, ठंड भी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। वहां सामने देख रहे हो बादल अलग ही, पहाड़ों से बात करने आए हैं नीचे। बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है क्योंकि ठंड है और ठंड में बॉडी जल्दी थकती है। इधर फिर से सूरज देवता की रेंज खत्म और ठंड चालू हो गई है। यहाँ जल्दी से सूरज की रेंज में आते हैं। अरे यार वाइजर खोलने पे अलग ही ठंडी ठंडी हवा का सामना करना पड़ा है। और ये तो देख ही रहे हो आप, पूरी रोड पे वाटर क्रॉसिंग है। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग नहीं, रोड ही वाटर क्रॉसिंग हो गई है। चलो शायद अब हम नीचे उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ सांस काफी फूलने लग गई है यहाँ। गाइस ये रास्ता जा रहा है मनाली के लिए और हम जा रहे हैं चंद्रताल। यहाँ से है चंद्रताल 12 किलोमीटर। रोड काफी खराब है, ये लगा लो आप। अगर किब्बर वाली साइड से आ रहे हो तो लोजर के बाद पूरी रोड खराब है, लगभग 45 किलोमीटर तक रोड खराब है। और कहाँ मैं सोचा था कि ब्रेक कर देंगे मैप के टाइमिंग को, बट नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो पाया, बल्कि लेट और चल रहे हैं हम। इस तरफ थोड़ी ठंड कम है भाई। अरे यार रोड ही नहीं है, ये देख रहे हो रोड नहीं है। यहाँ पे बाइक हमारी वो खड़ी, बस ये है इतनी सी। कहाँ से जाएंगे? चलो मैं कहता हूँ थोड़ा इधर होके जाएंगे, सामान अपना लग जाएगा इस पर। और थोड़ा इधर हुआ, हल्का सा भी अगर टच हुआ खत्म। तो प्लान होता है हमारा कैंसिल। अब हम जा रहे हैं कहाँ? मनाली। क्या करने? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। कभी और कर लेंगे, चंद्रताल का मन नहीं है हमें बुलाने का। पूरे स्पीति में सिर्फ यही रह गया चंद्रताल, और वैसे भी ये स्पीति में नहीं आता है ना, स्पीति में नहीं आता। हम कभी और कर लेंगे दोबारा से, कोई चक्कर नहीं है। तो अब यहाँ से फोटो खिंचवाएंगे। आपको भी अगर देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना,
और जो नया आया है चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। निकलते हैं हम वापसी, यू टर्न करते हैं अपनी बाइक। पानी में देख रहे हो हवा कितनी तेज आ रही है, और सामने से आ रही है फुल अपोजिट, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत। और वो देख रहे हो सामने पूरा पहाड़ बादलों से ढक चुका है, चंद्रताल के लिए हम लगभग 2-3 किलोमीटर आ गए थे और फिर उसके बाद आगे रास्ता ही बंद है। ठीक है, कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता लगे यहाँ खुला होता है और आगे जाके और दिक्कत हो जाती, ना फिर हम मनाली के रह जाते और ना ही हम चंद्रताल के। अच्छा, चंद्रताल जाने के, अरे आवाज की फंस रही है भाई, ठंड ठंड की वजह से आवाज अड़बड़ होने लग गई। हाँ, चंद्रताल जाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां पे ना हमें कुछ खाने के लिए मिलता ना कुछ। चलो टेंट है अपने पे तो वो तो हम लगा के सो जा चुके हैं। बताल बहुत ही बुरा रास्ता है भाई, जितना मैं अभी तक नहीं थका ना उतना आज थक गया। इसको बंद कर देते हैं। बहुत थकाने वाला रास्ता है, हद से ज्यादा लोसर से यहां तक तो जान निकल गई मेरी। चलो चलते हैं, खड़ काफी पुराना ब्रिज है ये यार, अभी भी रोड सही हुई नहीं है, रोड अभी भी खराब ही है। क्या, और हम पहुंच चुके हैं चाचा चाची ढाबा। हम पहुंच चुके हैं चाचा चाची के ढाबे पे और अब यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं आगे, काफी देर से इंतजार था। चलो एक चम्मच और दीजिए। एक एक राउंड स्ट्रॉन्ग कॉफी के हो जाए, अभी काफी दूर निकलना है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, कॉफी मंगाई है। तो पी के मिलते आपसे। अपना ये लास्ट स्टिकर लगने जा रहा है चाचा चाची के ढाबे पे। चलो लग गया अपना स्टिकर गाइस, ये देख रहे हो अलग ही एवलांच हो रहा है यहाँ पे। ये एवलांच है या बादल आ चुके हैं जमीन पे ये मेरे को नहीं पता। और हम पहुंच चुके हैं चाचा चाची के ढाबे पे, खाया पिया हमने, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो एक आध फोटो खिंचवाते हैं फिर आगे निकलते हैं। चलो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। कुछ रह गया तेरा, सब ओके? तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कब तक है रास्ता सही मिलेगा अपने को, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से है मनाली अप्रॉक्स 100 किलोमीटर और जिस हिसाब से हवा चल रही है ओहो, और सामने बर्फीले पहाड़ देख ही रहे होगे आप, तो ठंड अपने को ज्यादा लगने लगेगी। कॉफी से पी लिया कि नींद ना आए, और जो बॉडी थकी हुई है थोड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि
ठंडे ठंडे इलाके में बॉडी जल्दी थकती है, इसी वजह से थोड़ा सा एनर्जी के लिए कॉफी पी लिया हमने। तो ये इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग अभी तक मैं फर्स्ट टाइम आई है। ओए भाई ओए, अरे यार ये हवा क्यों चल रही है, हवा बहुत ही गलत चल रही है। फाइनली बिना पैर गीले हुए पार हो गए, फटाफट आ जाओ। रोड बहुत ज्यादा खराब है, ये लाइन सुन सुन के पक गए ना। यहाँ पे फोटोज वगैरह भी नहीं खिंचाने का मन कर रहा, नहीं तो हम तो काफी मैक्सिमम एक घंटा चलते थे, रुक के फोटो खिंचाते थे। और मैं यहाँ लगातार 2 घंटे से चला रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा रुकने का, बस ये सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी ये रास्ता खत्म हो जाए। ये वाला रोड वाला, ये सॉरी रोड नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। बच गई जा भाई जा, अब तो तेरे को मिल गया थंबनेल। यहां से ब्रेक मार रखी है मैंने। ये क्या? तो जिसको एडवेंचर पसंद है ना, आज स्पीति मज़ा आएगा। ये बहुत तगड़ा एडवेंचर हो रहा है, हमने पिछले 3 घंटे में 20 किलोमीटर भी नहीं कवर किया अब तक। हमारी बहुत स्लो स्पीड है जस्ट बिकॉज रोड इतनी ख़राब है। और आज ऐसी कैसी हो गई है रंजीत भाई की, और होगी भी क्यों ना, रोड ही ऐसी है, लगता है रोड कभी बनाई नहीं थी। आप ये रोड देख ही रहे होगे, अब इसको रोड बोला जाए या नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बट कोई नहीं, आप रोड बोल लो। वह हो रहा है भाई, मैं तो सोच रहा था बस इतना ही है। चलो ओ भाई बाइक आगे टूट गई, अरे यार नहीं नहीं, ये तो अब बैटरी चार्ज हो गई है तो आपको दिख रहा है। हाँ, नहीं तो इससे ज्यादा ज्यादा बुरा हुआ है अभी। हाँ भाई, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर चंद्रताल वही फट गई है, क्या कहना चाहते क्या कहना चाहता है कि हम पिछले 4.5 घंटे से इसी रोड पे चले जा रहे हैं और ये रोड इतनी खराब है, इतनी खराब है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप स्पीति सर्किट कर रहे हो तो भाई कुंजुम पास आओ, वहीं से वापसी निकल जाओ, इधर आने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि कुंजुम पास तक आओ, आप आओगे ना तो वहां तक भी बहुत रास्ता खराब है। लोजर के बाद बहुत ही ज्यादा रास्ता खराब है, बहुत ही ज्यादा। फाइनली अपने को अच्छी रोड मिल चुकी है और अब यहाँ से सूतम सूत भगा देंगे। थक गया यार भाई, बहुत ज्यादा थक गया। मैंने इस रोड को परिणाम करना चाहूंगा, इस वाली रोड को। अब नहीं आऊंगा मैं इधर से, ठीक है? मैं सही में नहीं आऊंगा। मेरे को लगा बीआरओ को ना पता ही नहीं है कि इधर कोई रोड है। भाई मैं बहुत खुश हूँ इस रोड के आने के बाद, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। आगे जा। आज सब कुछ देख लिया भाई, उस रोड ने सब कुछ दिखा दिया। बर्फ, पानी, खराब रोड, कच्चे रास्ते, रोड ही नहीं है, सब कुछ देख लिया। और फाइनली नेटवर्क आ चुके हैं। हाँ भाई, नेटवर्क भी नहीं थे, इसका भी मन करे वो जा सकता है। मेरी प्रेफरेंस अगर लेना चाहते हो तो भाई सीधे सीधे आप लगा लो, अगर उधर से उतर रहे हो तो आपको कम से कम नहीं तो 120 किलोमीटर खराब रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, ठीक है? तो उस चीज का आप ध्यान रखना बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो जिसका मन करे, जहां से मन करे वो वहां से जा सकता है। आपका अटल टनल में स्वागत है। आगे जा भाई, फुल पॉल्यूशन हो रखा है यहाँ पे। तो गाइस हम निकल चुके हैं अटल टनल से बाहर और अब फाइनली वी आर अराइव मनाली। अब हम यहाँ रुकेंगे भाई, 8:30 हो गए। चलो फिर भी गूगल ने तो 9:10 का टाइम दिया था। बीट, गूगल को बीट कर दिया हमने। बाकी केशव गया है स्टे देखने, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि देख रहे हो थक, बहुत ज़्यादा थक, बहुत ज़्यादा साथ में पेन है, ठीक है? गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल में। और मनाली में अगर मैं आता हूं तो सीधे इसी होटल में, यह है होटल मनाली क्राउन, बिल्कुल माल रोड से अंदर मिल गया, ज़्यादा दूर नहीं है, माल रोड बिल्कुल सामने है। और एक नंबर स्टे है, आपको अभी रूम दिखाता हूं, फिर मिलते हैं। तो गाइज हम पहुंच गए हैं होटल में, फैला दिया भाई पूरा पूरा रूम फैला दिया हमने। और देख रहे हो पूरा चेहरा थका हुआ है, थोड़ी देर में फ्रेश होके मिलते हैं आपको दोबारा से। हमने डिनर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसको तो नींद आ रही है भाई, और मिलते हैं आपको ऐसे ही बढ़िया सी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक लेट टाटा।